पुरानी पेंशन बहाली के लिए और इसके समर्थन में हो रही नई दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली और आंदोलन के समर्थन में ओक्टा ने आज सिविल लाइंस चौराहे से सुभाष चौराहे तक मार्च निकाला। ओक्टा अध्यक्ष डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलना सरकार का सामाजिक सुरक्षा के अपने दायित्व से पीछे हटना है। ओक्टा अध्यक्ष ने कहा कि अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार को सर्वाधिक कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि सरकारें निजी क्षेत्र के लिए भी मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को देर सबेर बाध्य होकर पुरानी पेंशन को लागू करना ही पड़ेगा और जब तक सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 11 संघटक महाविद्यालयों के सैकड़ों शिक्षकों ने ओक्टा अध्यक्ष डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में मार्च में हिस्सा लिया। शिक्षक, पुरानी पेंशन हक है हमारा, लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन वापस लाओ, ओपीएस बहाल करो, एनपीएस बाहर जाओ आदि नारेबाजी करते रहे। ओक्टा ने पुरानी पेंशन के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा नई दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित रैली का भी समर्थन किया है। ओक्टा के अनेक सदस्य इस रैली में हिस्सा लेने दिल्ली गए हुए हैं और ओक्टा ने अपना समर्थन पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओपीएस को पहले ही भेज दिया था। मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि इसके बिना सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को बुढ़ापे में कोई आर्थिक मदद संभव नहीं है। इसलिए बुढ़ापे की लाठी के रूप में हमें पुरानी पेंशन लेके रहना है और इसके लिए जिस सीमा तक भी हमें संघर्ष करना पड़े हम संघर्ष करेंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि अपनी सामाजिक सुरक्षा योजना को मजबूत करे और सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन सुनिश्चित करे। आपका नाम? डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह, अध्यक्ष आपका। इस मार्च में पूर्व ओक्टा अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कांत मिश्रा, उपाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव डॉक्टर आशीष मिश्रा, कोषाध्यक्ष हरिश्चंद्र यादव, पूर्व ओक्टा उपाध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर दीनानाथ, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर धीरज चौधरी, डॉक्टर रिफाक अहमद, डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह, डॉक्टर अरुणीय मिश्रा, डॉक्टर मोनिका सिंह, डॉक्टर रितेश त्रिपाठी सहित सभी महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।